हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी? सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द सम इम्पोर्टेंट चैप्टर्स इन द लास्ट स्ट्रेटजी इन दिस मंथ। अभी आपको पता होगा कुछ ही दिन बचे हैं, अभी ऑलमोस्ट पूरा का पूरा लॉकडाउन हट चुका है इंडिया के अंदर और आपके जो एग्जामिनेशन है वो जल्द से जल्द होने वाले हैं। सो इसके लिए हमें कौन कौन से रूल्स फॉलो करने हैं, आपके कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आने वाला है, कौन कौन सा चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है, कंप्लीट के अंदर डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। माय नेम इज कमल एंड आई एम ए केवीवाई स्कॉलर विथ ऑल इंडिया 7 रैंक इन दिस इंडिया। ठीक है, तो चलते हैं हमारी पीपीटी की ओर। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके देखते हैं फिर। सो स्टूडेंट्स, जस्ट पहले जो है हमें टारगेट करना चाहिए सारे के सारे सब्जेक्ट। जैसे कि अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स, तो जो है आपको, अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो आपको बायोलॉजी के अंदर कम से कम जो है मिनिमम 10 मार्क्स लाने पड़ेंगे अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं बाई चांस। ओके, मान लो आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो आपको 10 नंबर जो है बायो में लाने पड़ेंगे, और अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं ओके सो आपको 10 नंबर जो है मैथ में लाने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप इसको जरूर फॉलो करें, इसको जरूर ध्यान रखें। ओके, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जस्ट पहला हमारा जो सब्जेक्ट आ रहा है वो है फिजिक्स। तो फिजिक्स को हमें किस तरह से हैंडल करना है? सो मेरे प्यारे बच्चों, जो फिजिक्स आपका जो सब्जेक्ट है उसके अंदर आपका जो फर्स्ट जो हमने इंक्लूड किया मोशन जो आपका चैप्टर है उसके अंदर मेजरली जो क्वेश्चन आ रहे हैं पिछले 2-3 सालों से, तो वो 3-4 क्वेश्चन आते हैं मोशन से। ओके, और आप जो है इससे इसका पता लगा सकते हैं। जैसे जिन जिन को मैंने जो है रेड कलर दिया है तो वो जान सकते हो कि वो मतलब रेड ही कर देंगे तुमको, तो इन पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। ओके, और सारे नॉर्मल है। जो NLM होता है उसका आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन आते हैं। ओके, और ये मैं एक्सेप्टेड बता रहा हूँ, हो सकता है आपको किसी में 1 भी आ जाए, हो सकता है किसी में 3 भी आ जाए, लेकिन जनरली ऐसा ही हो रहा है और इस बार भी ऐसा ही होगा। ये जो है इसके अंदर देख सकते हो मैंने लाल कलर का रखा है, तो इसके ऊपर थोड़ा फोकस करना आप लोग। ओके यार, हीट के अंदर 1-2 क्वेश्चन भी आते, कभी 1 आता है कभी 2 आता है, ज्यादा लॉजिक वगैरह नहीं आता, नॉर्मल डेफिनेशन टाइप क्वेश्चन आता है। ग्रेविटेशन से 3-4 क्वेश्चन आते हैं, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करें। ऑप्टिक्स का आपको पता है 12th का एक चैप्टर है जिसके अंदर ऑलमोस्ट जो है आपको जो डिस्टेंस वगैरह होती है, जस्ट लाइक वो पूछा जाता है उसके अंदर डिस्टेंस इसकी कितनी होगी, इतनी दूरी पर कितनी होगी, वो वाला सिस्टम आएगा, कैलकुलेशन वाला होगा इसमें तो। और ये इलेक्ट्रिसिटी वाला भी, इसमें भी आपको थोड़ा डीप पढ़ना पड़ेगा। और ये जो न्यूक्लियर फिजिक्स है जो आपका फिजिक्स का 15वां चैप्टर है आई थिंक, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, जो वहाँ पे जो वेट वगैरह निकालना होता है मॉलिक्यूलर एंड उसकी एटॉमिक एनर्जी, वो वाला भी पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा आप अच्छे से प्रिपेयर करना। ओके, इसको भी मैं लाल कर देता हूँ, लाल किया नहीं है। ओके, तो देखो ये भी लाल हो गया अभी। ओके, तो जस्ट देख सकते हो इसका भी थोड़ा ध्यान रखना, खूब ख्याल रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, ज्यादा तो नहीं आता, ऐसे 1 क्वेश्चन आता लेकिन खतरनाक क्वेश्चन आता, याद रखना। ठीक है, फिर प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। हमारा सब्जेक्ट आता है वहाँ फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री, जिसको हम केमिस्ट्री भी बोलते हैं, दिस इज वेरी रॉन्ग। जो आपका जो मोल है मॉलिक्यूल वगैरह सेकंड चैप्टर ही है, तो क्वेश्चन आते हैं जजा के फोटो आते ही, सबसे सरल लगता है मुझे एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, KVPY पास करके बाबा में जाना तुमको, तो एटॉमिक एनर्जी के अंदर जो है 2-3 क्वेश्चन आते हैं, गजब के फोड़ो, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। गैस के 2-3 क्वेश्चन आते हैं, ऐसे पी ब्लॉक मतलब क्या ही तुम जचा के फोड़ दोगे, ऐसे पी ब्लॉक का जैसे ही क्वेश्चन आए जचा के तोड़ दो क्वेश्चन को। ठीक है, देन जो है आपके ये जो हाइड्रो की है 2-3 क्वेश्चन आते हैं, मेजरली 2-3 ही आता है, 2 तो बहुत ही रेयर केसेस में आएगा। बॉन्डिंग वाला ज्यादा कुछ नहीं है, 2 क्वेश्चन आएंगे, और ये जो आपके इक्विलिब्रियम इक्वेशन वगैरह है 2 क्वेश्चन आएंगे। थर्मोडायनेमिक्स टाइप जो आपका होता है केमिस्ट्री में 2 क्वेश्चन, और इसमें भी 2 क्वेश्चन जियोलॉजी। ठीक है, तो यह केमिस्ट्री में उतना नहीं है। ओके, जो भी बच्चे कोटा से बिलोंग करते हैं तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, जो बच्चे अनअकैडमी पे पढ़ रहे हैं ना उनके तो लग जाएंगे एल।
ओके, तो वो बच्चे थोड़ा ध्यान रखें। ओके देन हम पढ़ते हैं फिर मैथमेटिक्स की ओर। मैथमेटिक्स में जो है बायोलॉजी वाले बच्चे थोड़ा सा ध्यान रखें। पहले मैं बायोलॉजी वाले बच्चों को बता देता हूँ। बायोलॉजी वाले बच्चे तो सबसे सरल है, एक तो सीरीज को प्रिपेयर करो, फुल तरीके से प्रिपेयर करो। ओके ज्योमेट्री को प्रिपेयर करो। आपको जो है टारगेट करके चलना है कि आपके मिनिमम जो है 4 क्वेश्चन तो कम से कम सही हो ही हो। ओके अगर आपके 4 क्वेश्चन सही हो गए तो आप मान सकते हो कि एटलीस्ट आप मतलब एलिजिबल हो जाओगे। तो आप कम से कम आप टारगेट करो कि 4 से 5 क्वेश्चन आप टारगेट कर सको। आपको याद रहे कि आपको किसी भी हाल में जो भी बायोलॉजी वाले बच्चे हैं उनको मैथमेटिक्स में 10 नंबर लाने ही पड़ेंगे। ओके तो जो है सबसे पहले आप सीरीज को टारगेट करिए, बायोलॉजी वाले बच्चे जितने भी हैं। ओके देन हाँ सीरीज को, और बच्चों तुमने ट्रिकोनोमेट्री भी पढ़ी होगी 9th 10th में, वो भी थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा। तो सीरीज और ट्रिकोनोमेट्री और ये जो है ज्योमेट्री वगैरह, ये कुछ 3-4 टॉपिक तुम लोग जो है ये प्रिपेयर कर सकते हो। उतना ज्यादा टफ नहीं है ये। ओके सो इसको तुम टारगेट करके चल सकते हो। ओके और सब जैसे अगर अपन बात करें मैथमेटिक्स का, तो मैथमेटिक्स में ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चे धुरंधर होते हैं। उसमें ज्यादा कुछ बताने की जरूरत भी नहीं पड़ती। आपके जो भी है ये 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं इसमें। ज्योमेट्री के अंदर आपको पता है 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, ट्रिकोनोमेट्री में 4 क्वेश्चन आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज से 2 क्वेश्चन आते हैं। और ये देख सकते हो मैंने यहाँ पे लिख दिया जितना भी है, ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन और 2 से 3 क्वेश्चन। ओके और ये जो है ज्यादा पुराना डेटा नहीं है, पिछले 3 से 4 साल का डेटा भी मैंने उठाया है। ओके और देन जो है बायोलॉजी में अगर अपन चले तो जस्ट यार कोविड अभी खत्म हो गया तो इस पे भी जरूर फोकस करें। रिसर्च पे ज्यादा ही होता है कुछ जो है KUPY डिपेंडेंट होता है, IISc बेंगलोर से इसका पेपर बनता है। तो इसको जो है थोड़ा सीरियसली ले आप, जेनेटिक्स वगैरह जो भी है। ओके कोरोना का कैसे हुआ ये भी तुम्हें ही पता लगाना है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ओके सेल, ओके ठीक ठाक है, 1 से 2 क्वेश्चन आता है। डिजीज से कितने क्वेश्चन आते हैं और जेनेटिक्स से कितने क्वेश्चन आते हैं। सो स्टूडेंट्स आप लोग जो है इसको थोड़ा, डिजीज को थोड़ा सा सीरियसली लो, बायोमेडिकल वगैरह वेरी इंपॉर्टेंट जो भी है। ओके देन ये जेनेटिक्स भी कैसे उत्परिवर्तन होता है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके तो इसको भी थोड़ा सा सीरियसली लो। सेल ओके ठीक ठाक है, 1 से 2, और बायोमोलिक्यूल 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, ऑलरेडी मैंने देख रेड कर रखा है, इस पर थोड़ा सा फोकस करें। ओके डाइवर्सिटी 2 क्वेश्चन, इविरोन 1 क्वेश्चन, ह्यूमंस 3 से 4 क्वेश्चन, प्लेनेट जो भी प्लैंट्स 2 से 3 क्वेश्चन, इसको भी जो है थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर करें। ओके अब जो है मैथमेटिक्स वाले जो भी बच्चे उनको जो है कम से कम 10 मार्क्स स्कोर करने हैं, राइट, इसके अंदर भी। तो वो लोग जो है कौन से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जैसे कि मैथमेटिक्स वाले हैं उनको जो है 10 मार्क्स लाने हैं, राइट। सो उनको क्या करना चाहिए कि जो है वो ह्यूमंस कर ले, ठीक है, ह्यूमंस उनके लिए सॉरी थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। ये जो प्लैनेट्स है प्लैनेट्स ये कर ले। ओके देन आपको यार टारगेट करना है कि कम से कम 5 क्वेश्चन मिनिमम आपके सही हो ही हो, किसी भी हाल में सही हो। ओके देन आप जो है ये डिजीज कर सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट, 3 क्वेश्चन किसी भी हाल में आएंगे 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ। नहीं आया तो यूट्यूब पे बोलना बंद कर दूंगा। ओके और ये डाइवर्सिटी या फिर रोड कर लो, वैसे इतने दिनों से प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोगों ने डिसाइड तो किया होगा, लेकिन अभी जो लास्ट 1 मंथ की जो आपको क्या करना चाहिए, अभी आपको जो है ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, जितने ज्यादा हो सकता है मॉक टेस्ट दो, किसी भी हाल में जितने ज्यादा हो सकता है उतने ज्यादा मॉक टेस्ट दो, ठीक है बच्चों। ओके थैंक यू सो मच। और KUPY से रिगार्डिंग सब्सक्राइब कर लो और टोटल अपडेट मिल जाएगी तुमको वहाँ पे, ठीक है, थैंक यू सो मच।